ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे मैंने अत्याचार किया है? आपको लग रहा है देख के कि मैं खुश हूं? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो मुझे भी नहीं लग रहा है देख के। बस पतियों पे सदियों से ये अत्याचार होता आ रहा है और ये कब तक चलेगा पता नहीं। वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। और अभी मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी और आज मैं बना रही हूँ अफगानी चिकन, जो कि बहुत ही आसान सा एक रेसिपी है। और ऐसा आसान सा रेसिपी बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितना भी मेहनत है वो दो पार्ट में करना पड़ता है, इसलिए स्पेशली और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अफगानी चिकन एक ऐसा रेसिपी है जिसमें आपको चिकन मैरिनेट करके पहले रख देना पड़ता है और उसके बाद आपको इसको बनाना है। और जब इसको आप बनाओगे ना, तब ज़्यादा कुछ करने को नहीं रहता, बस मैरिनेशन के वक्त अच्छे से इसको मैरिनेट करो, तभी ये टेस्टी बन जाता है। और मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था कल रात को, और आज मैं शाम को इसको मैंने निकाला है बनाने के लिए। तो जितनी देर तक आप इसको मैरिनेट करके रखोगे ना, उतना ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी बनाना चाहते हो तो मिनिमम 15 to 20 मिनट्स इसको आप मैरिनेशन में रखो, तब बनाओ, तब ठीक ठाक टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह एक दिन पूरा इसको मैरिनेट करके रखते हो ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। कुकिंग प्रोसेस इसका बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा घी ले लिया है, उसमें ये चिकन फ्राई हो रहा है। और ये थोड़ा सा पानी पानी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैरिनेटेड चिकन है, उसके ऊपर जो ग्रेवी लगा हुआ था ना, जो मैरिनेशन का, उसके वजह से थोड़ा पानी पानी हो गया है। पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ऐसे ही मुझे उलट पलट करके इसको फ्राई करना है, और तब तक करना है जब तक ये चिकन एकदम टेंडर ना हो जाए। और यहाँ पर बाकी का मैरिनेशन जो है वो यहाँ है, तो बस ऐसे चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। जैसे ही चिकन कुक हो जाता है, ये बाकी का ये जो मैरिनेशन है ये इसमें डाल के और थोड़ी देर पकाना है, बस ये तैयार हो जाता है। चलिए, कुकिंग प्रोसेस तो मैंने बता दिया और अब मैं बताती हूँ इसको मैरिनेट कैसे करती है। तो मैरिनेट करना बहुत ही आसान है। आपको चाहिए फेटा हुआ दही, थोड़ा सा कुकिंग क्रीम, और इंग्रेडिएंट्स कौन सा कितना कितना लेना है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगी, आप वहाँ पे चेक कर लेना। तो जो मैं बता रही थी, तो पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए दही, थोड़ा सा कुकिंग क्रीम, कस्तूरी मेथी, फिर काली मिर्च का पाउडर, और एक पेस्ट चाहिए होगा जिसमें रहेगा ऑनियन, जिंजर, गार्लिक, कोरिएंडर लीव एंड ग्रीन चिली का एक पेस्ट। तो बस ये सारी चीज़ को अच्छी तरीके से मिला लेना है और ऊपर से ऐड करना है मेल्टेड बटर। और एक चीज़ आप इसमें कर सकते हो, जैसे ये पूरा प्रिपरेशन बन जाता है उसके बाद भी कर सकते हो, या फिर जब आप मैरिनेट करके इसको रख रहे हो तब भी इसको कर सकते हो, कि जला हुआ कोयला छोटे से किसी कंटेनर में रख के, जब मैरिनेशन का जो आपका जो कंटेनर होगा उसमें रख के ढक सकते हो आप उसका पूरा स्मोक उसमें, ताकि फैल जाए और कोयले का एक फ्लेवर आ जाए। तो ये आप मैरिनेशन के वक्त भी कर सकते हो या फिर जब ये बन जाए, बनने के बाद भी कर सकते हो। लेकिन मैं आज ऐसा कुछ स्टेप नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोयला नहीं है। सिम्बा 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 मुझे हाटते दे बाबा, हमें खबर आनी नहीं। ये देखो यहाँ पे प्यार दुलार चल रहा है, प्यार दुलार गंध बेड़िए देखे कि सुंदर पूरे बाड़ीते एकेबारे आहा, बहुत अच्छी खुशबू आई आ रही है वहाँ से। अभी तक खाना बना नहीं है लेकिन अभी से भूख लग रही है। देख 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 प्यार दुलार चल रहा है। और ये देख ये क्या चल रहा है पता है? ये चल रहा है मुझे खाने दो, मुझे खाना दो, मुझे कुछ खाने को दो, ये चल रहा है इधर। छिमली छिट्टी छिमली सिम्बा सिम्बला सिम्बला।
पर एक चिकन जो है ओवरलैप नहीं कर रहा है। मैं ऐसे एक बैच में यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा फ्राई करके रख दिया है। और मेरा फ्राई मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग तेल में फ्राई करते हैं ना, ये तो बिल्कुल वैसा नहीं होता क्योंकि मैरिनेशन के वजह से ये ऐसा पानी छोड़ता रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही किसी तरह आपको ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, बस बीच बीच में चेक करना है कि नीचे से लग ना जाए। और जैसे ये वाला हो जाता है तब यहाँ ये वाला चिकन भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी और ये वाला मैरिनेशन ऐड करके फिर थोड़ी देर पकाऊँगी, बस रेडी हो जाएगा। और गाइस जब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही थी ना, एक चीज़ बता रहा तो मैं भूल ही गई, वो है लेमन जूस। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरा चेक कर लेना, वहाँ पे पूरा इंग्रेडिएंट्स और उसको कैसे बनाते हैं पूरा मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँगी। ये देखिए चिकन को पकाते पकाते ऐसे इसमें से ऑयल जो है वो अलग हो गया है और उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। पहले तो इसी कलर में था ना जो मैरिनेशन का कलर है, तो अब मैं इसमें ये मैरिनेशन ऐड कर रही हूँ। और हाँ, ये जो मैंने अलग करके रखा था ना चिकन, वो भी मैंने इसमें दे दिया है और सारा एक साथ पका के, और अभी ये मैरिनेशन ऐड कर रही हूँ। और अभी इसको बस थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर दूँगी और फ्लेम को लो करके और थोड़ी देर तक कुक करूंगी और ये रेडी हो जाएगा। आज तो पूरे घर में ना ऐसा लग रहा है जैसे एकदम हम लोग किसी शादी ब्याह में आ गए हैं पार्टी के लिए। वैसी खुशबू आ रही है सच में, बहुत दिनों बाद, बहुत मतलब, दिनों बाद मैंने अफगानी चिकन बनाया है। ये मतलब हम लोग के ना इंडिया में जैसे हम पार्टी वार्टी में जाते हैं ना तो दूर से खुशबू आ जाती है, वो वाला हालत है। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। आज बहुत दिनों बाद मैंने थोड़ा सा चिकन पुलाव बनाया है, बहुत ही थोड़ा सा ताकि डिनर में ही खत्म हो जाए। और ये अफगानी चिकन मैंने बहुत सारा बनाया है, ये अगले 2-3 दिन तक खाएंगे हम और इसको डाइट में भी खा सकते हैं। और आज हमारा चीट डे है, सो थोड़ा सा राइस। आई थिंक 15 डेज बाद खा रहे हैं ना राइस। बीच बीच में थोड़ा सा राइस का मतलब हो जाता है, बिना राइस खाए हम लोग रह नहीं पाते। वैसे भी मैं बंगाली हूँ, पहले तो मैं मतलब डिनर में और लंच में तो राइस खाते ही थे, ब्रेकफास्ट में भी मेरा राइस ही था, तीनों टाइम। वैसे बंगाली से याद आया, आप लोग देख रहे हो ना रूपा ने ये पहना हुआ है। हाँ जन्माष्टमी था ना तो मैंने पहना था। और जन्माष्टमी में और उसके बाद भी 2-1 दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि गाइस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इस वजह से नहीं बनाया व्लॉग। उस दिन जब मैं लाइव बैठी तब मैंने कहा भी था कि मुझे बुखार है, तो तब से पहनी हुई है और मुझे लग रहा है कि हम लोग की अभी भी नई नई शादी हुई है। हाँ नई नई शादी होने के बाद मैं हमेशा ये पहन के रखती थी ना, काइंड ऑफ एक साल तक मैंने पहन के रखा था। सब जमा करके रखा था, मुझे आधा घंटा लगा सारे बर्तन खत्म करने में। दोनों ही तो इंसान है हम, कितने और बर्तन थे। ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे मैंने अत्याचार किया है? आपको लग रहा है देख के कि मैं खुश हूँ? नहीं वो तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो मुझे भी नहीं लग रहा है देख के। बस पतियों पे सदियों से ये अत्याचार होता आ रहा है और ये कब तक चलेगा पता नहीं। अच्छा खाना खिला दिया मतलब बर्तन सारे तुम धो। तुम अपनी खुशी से गए थे बर्तन धोने और अब ऐसे बोलोगे, ऐसे लांछन लगाओगे मेरे ऊपर, वो भी व्लॉग में सबके सामने। मैंने ना सिर्फ क्या तुम्हें अच्छा खाना खिलाया, ये देखो पीछे ये डब्बा भी अभी तक नहीं फेंका, वैसे भी वारंटी अभी फेंकेंगे भी नहीं, तो इसको देख के तुम्हें कुछ याद नहीं आता? कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया और तुम 2 बर्तन क्या धो दिए, इतना सब कुछ सुना रहे हो मुझे। तो देखा मैंने सौरभ के ऊपर कितना अत्याचार किया, रात को मैंने सौरभ से बर्तन धुलवाए, है ना? बिल्कुल बहुत ज्यादा अत्याचार। नहीं मेरी हंसी नहीं आ रही थी, वो ऐसी था बस, एक्सप्रेशन को भूल जाओ। और कितना नाटक करोगे।
एक्चुअली गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, घर का जो काम है हम दोनों मिल बांट के करते हैं। तो सारा दिन तो सौरभ ऑफिस में रहता है, मैं घर पे रहती हूँ, तो घर के जो साफ सफाई क्लीनिंग वगैरह, फिर बर्तन ये वो, मतलब वो तो होते रहते हैं, वो तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन रात को हमेशा बर्तन सौरभ ही धोता है। हाँ, और ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता हाँ, है। और मेरी आदत है मैं ना कभी बर्तन ऐसे जमा के नहीं रखती, मतलब खाना बन गया तो कढ़ाई वहीं पे छोड़ दिया, ऐसा मैं नहीं करती, जब का तब मैं क्लीन करती रहती हूँ। वैसे ये चीज हम लोग ब्लॉग में ना शायद फिफ्थ टाइम बोल रहे हाँ, हैं। कि हम लोग क्लीन करते रहते हैं, नहीं नहीं तो वहां पे कॉकरोच हो जाते हैं। तो रात को खाने के वक्त कितना ही बर्तन होता है, 2 स्पून, 2 प्लेट, 1 ग्लास, हम लोग हमेशा एक ही ग्लास में पानी पीते हैं, 1 ग्लास। और कभी कभार ऐसा होता है कि जिसमें मैं सब्जी रखती हूँ वो वाला बर्तन होता है, क्योंकि हम लोग दो हैं तो मैं खाना बनाती हूँ तो ज्यादातर ज्यादा ही बन जाता है, तो वो फ्रिज में घुस जाता है, तो फिर उसको धोना नहीं पड़ता। अगले दिन दोपहर को लंच के बाद मैं उसको धो देती हूँ, तो रात को तो ज्यादा बर्तन होते नहीं है, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा हुआ था क्योंकि मैरिनेशन वगैरह मैंने किया था, तो वो वाला बर्तन था, तो बस वही सौरभ थोड़ा आके बोल रहा था कि देखो मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है, नौटंकी। सौरभ को ऑलरेडी आंखें जो है लाल लाल हो गई हैं, बहुत नींद आ रही है, ये बिरयानी टाइप का कुछ भी खा लो ना तुरंत नींद आ जाती है। तुरंत नींद आ जाती है। सो गाइस, आज का ये व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।